प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश को बनाएंगे नंबर वन मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। श्योपुर को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, श्योपुर में बनेगा सबरी माता का मंदिर। लघु वनोपज प्रबंधकों का मानोदय बढ़ाया जाएगा। जनजाति क्षेत्रों के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रदेश में औद्योगिकरण से रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 30 लाख के तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में अंतरित की 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि। प्रदेश में निरंतर होंगे गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के कार्य। मुख्यमंत्री ने 37 करोड़ 67 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। ज्ञान के स्रोत पुस्तकालय को समाज का अभिन्न हिस्सा बनाएं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण बदलते परिवेश में पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, स्वचालन और डिजिटलीकरण जरूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का वर्चुअली किया शुभारंभ। झाबुआ की बहनों का स्नेह मेरी अमिट पूंजी है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। मुख्यमंत्री को मंत्री सुश्री भूरिया ने बांधी राखी एवं भीली टोकरी में भेंट किए रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के लिए झाबुआ की बहनों ने बनाए 2 लाख रक्षा सूत्र। बैगा भारिया एवं सहरिया जनजाति के पढ़े लिखे युवाओं की करें सीधे भर्ती, जनजाति कार्य मंत्री डॉक्टर शाह। पीएम जनमन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल। बच्चों के संस्कार में आना चाहिए कि जल अमृत है, इसे व्यर्थ न बहाएं। नगरीय विकास मंत्री श्री विजयवर्गीय देवास में अमृत संचय अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम। दिव्यांगजन के लिए लगाए जाएंगे चलित न्यायालय, प्रथम चलित न्यायालय 17 अक्टूबर को। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विधायक श्री मेंदोला के पिताश्री के निधन पर अर्पित की श्रद्धांजलि। नरेला रक्षाबंधन महोत्सव, रक्षाबंधन महोत्सव का दूसरा दिन प्रधानमंत्री श्री मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान को समर्पित। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने ग्वालियर में सब्जी मंडी का किया निरीक्षण। सिपेट का युवाओं के करियर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान, राज्य मंत्री श्रीमती गौर। ऐसी ही डेली अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ डाइजेस्ट मेट्रो मिरर .com।